जय माता दी भक्तो, सुनारोत्री भक्तो, नवरात्र के शुभ दिवस में भक्तो चौथा रूप कुष्मांडा देवी का होता है। भक्तो माँ जो है बुद्धि का विकास करती हैं। कुष्मांडा के पवित्र मन से नवरात्रि के चतुर्दिन आराधना कर भक्त आंतरिक प्राण शक्ति को जवान का बनाते हैं। ये भक्तो कुष्मांडा अभिप्राय कद्दू से है। एक पूर्ण गोलाकार मृत की भांति प्राण शक्ति दिन रात भगवती की प्रेरणा से सभी जीव जंतुओं का कल्याण करती है। कद्दू प्राण शक्ति बुद्धिमत्ता और शक्ति की वृद्धि करता है। कु का अर्थ है छोटा, उस का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड या गोला। ये भक्त धर्मग्रंथों में मिलने वाले वर्णन के अनुसार अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से अंड को उत्पन्न करने वाली होने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने महा शून्य में अपने मंद हास्य से उजाला करते हुए अंड की उत्पत्ति की, जो कि बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना है। भक्तों इस प्रकार माँ दुर्गा का यही अजन्मा और आधार शक्ति रूप है। जीवों में इनका स्थान अनाहत चक्र में माना गया है। ये भक्तों नवरात्र के चौथे दिन योगी इसी चक्र में ध्यान लगाते हैं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है। उस लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। ये भक्तों इनके स्वरूप की क्रांति और तेज मंडल भी सूर्य के समान ही अतुलनीय है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है, जबकि आठवें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि देने वाली जप माला है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के इस स्वरूप के सामने मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ये भक्त उसके बाद इस प्रसाद को दान करे और स्वयं भी ग्रहण करे। ऐसा करने से भक्तों की बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। भक्तों तो माँ के इस रूप का चौथे दिन पूजन करना चाहिए हमें। माँ बहुत ही कृपा बरसाती हैं, समय बुद्धि का विकास करती हैं माँ। तो ये भक्तों इस दिन आप लोग माँ कुष्मांडा का पूजन लगन से करें और माँ से बुद्धि विकास का आशीर्वाद लें भक्तों। और माँ जो है नवरात्रि के नौ दिन में अपने अलग अलग रूपों को माँ पूजने को अपने भक्तों से पूजने के लिए कहती है, ताकि उनका पूरा जो है मानसिक विकास हो सके और जो भी हम लोग के अंदर कमी हो, जो भी हम लोग कमी किए हों या गलतियाँ किए हों, वो सब इस नवरात्र में हम लोग दूर कर सके। तो ये नवरात्र का जो महीना होता है, जो दिन होता है, इसमें हम लोग के विकास का ये दिन होता है। हर दिन हम लोग का विकास होता है और हम लोग की बुद्धि साफ होती है और मन साफ होता है हम लोग का। तो ये नवरात्र बहुत ही पूजनीय वंदनीय है, इसीलिए माँ हम लोग के घर में पधारती हैं और हम लोग का विकास करती हैं भक्तों। तो आप लोग भी अपने घर में यह पूजन करके अपना मन तन सब सात्विक बनाएं। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में भक्तों। नमस्कार।